बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों की रिक्वेस्ट पर प्रीलियम पेपर जो है वो 9th क्लास का लिया जा रहा है फिज़िक्स का। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है तो इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और देखें कि आप प्रिपेयर हुए हैं एग्ज़ाम के लिए कि नहीं। इससे पहले मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ जो है वो 9th क्लास का प्रीलियम पेपर भी शेयर करूँगी। जैसा कि हमने मैट्रिक क्लास का फिज़िक्स का प्रीलियम पेपर जो है वो हमने चैनल पर लिया और यूट्यूब पे अपलोड भी किया, उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों के पेपर्स भी चेक किए। बेटा आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोग थोड़ा लेट हो गई हूँ, थोड़ा आप सब जानते ही हैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इन डेज़ में, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब ये जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और आप एग्ज़ाम में यही कुछ आपके यहाँ आने वाला है इंशाल्लाह। इसके अलावा फिज़िक्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, 9th क्लास का टारगेट पेपर गेस्ट पेपर मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा मैंने न्यूमेरिकल्स का एक पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आज शेयर किया है, सॉल्व पीडीएफ है, मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं इसको चैनल के ऊपर भी अपलोड करती। जैसा कि आप सबको मेरा नंबर मालूम है 03242232725, जो बच्चा इस नंबर पर आकर मेरे से जो है मुझसे मांगेगा इंशाल्लाह ताला मैं उसको पीडीएफ शेयर कर दूँगी न्यूमेरिकल का सॉल्व पीडीएफ। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन ए आपके पास मल्टीपल चूज क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें आपने वही करना है, कवर ऑल इम्पॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशंस पॉइंट फ्रॉम योर बुक, कवर ऑल इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कवर ऑल एमसीक्यू। मतलब ये जितना बुक का मटेरियल करेंगे रीड करेंगे उससे बेहतर एमसीक्यू कोई हो नहीं सकता। लेकिन जो मैंने चैनल पर अपलोड किया है इन तमाम को कि समरी एक समझ लें एक किस्म की इन तमाम चैप्टर्स की, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो एमसीक्यूज आप वहाँ से कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। आप कर देखें, जब आप उस वीडियो को ओपन करेंगे तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको आखिर कितना आता है। उसको मैंने ब्लैंक्स की सूरत में दिया है, जैसे जैसे वीडियो चलती रहेगी उसको आपने नोट जो है वो नोट डाउन नहीं करना, आप जस्ट उसको सिर्फ देखें और समझें। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से अपने जो है वो अपना जो है इंपॉर्टेंट उसको सेव कर सकते हो। सेक्शन बी देख लीजिए जी, 18 मार्क्स का आपका सेक्शन आएगा, नोट एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क एंड 18 मार्क्स आपके पास है, 6 सवाल के अपने जवाब इसमें से देने हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन फिजिक्स एंड डाइट, 3 इंपॉर्टेंट्स ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैट्रिक में भी आया, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेरे रिव्यूज़ चेक करें जाकर, मैट्रिक क्लास का 100% पेपर मेरे टारगेट पेपर से लगा है, कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था। जो आप यकीन मानिए कि आप मैट्रिक क्लास का उठाकर देख लीजिए पेपर और मैट्रिक क्लास का मेरा गेस्ट पेपर उठाकर देख लीजिए, 100% मैंने वहाँ पर लॉन्ग में बच्चों को के साथ 5 से 6 क्वेश्चन शेयर किए थे और उसी 6 सवालों में से 5 सवाल ऐसे उठकर आ गए जैसे जो है वो मेरा ही जो है वो बोर्ड का पेपर हो। अल्हम्दुलिल्लाह इतना गेस्ट लगा है, शुक्र है परवरदिगार का। अब आप इसको भी नोट डाउन करते जाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, एक्सप्लेन हुक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 1, 2 एंड 3 तीनों कर लीजिए, लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम एंड एनर्जी, आर्शमिडीज प्रिंसिपल एंड पास्कल विद हाइड्रोलिक लिफ्ट। अच्छा जी, 2 करने हैं दोनों। पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर, मास एंड वेट, हीट एंड टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर और जी वर्सेस जी, ठीक है, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। अच्छा अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 3 साइंटिफिक रीजंस हैं, ये भी मेरे चैनल पर आपको सॉल्व मिल जाएगा इसका। गिव द साइंटिफिक रीजन देयर इज स्पेस बिटवीन द 2 रेलवे लाइंस व्हाई। क्वेश्चन सेकंड आपके पास है, व्हाई डज अ नेल सिंक इन द वाटर वेयर एज अ शिप हैविंग अ मच बिगर मास फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। थर्ड आपके पास, इट इज़ डेंजरस टू जंप फ्रॉम लास्ट मूविंग। अच्छा एक और बात बताती चलूँ, इसका जो लिंक है ना वो मैं आप लोगों को अपने इसी जिसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को ना प्रॉब्लम ना हो सॉल्व जो है एमसीक्यू ढूंढने में। लेकिन मैंने जो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया था, आपको याद होगा मैट्रिक क्लास का 3rd जो गेस्ट पेपर था टारगेट पेपर, उसके अंदर भी तमाम सॉल्यूशन था इन तमाम साइंटिफिक रीजंस का। अच्छा जी, आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं 3 आई, आपने खुद सॉल्व करने, आज चीटिंग नहीं करनी, कर देखिएगा कि आपको कितना आता है, किस्म का ये आपका प्रीलियम पेपर भी है 9 क्लास वाले। अ मोटरसाइकिल इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाई द मोटरसाइकिल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इसके अंदर से, आपको पहचाने वी आई क्या है, वी एफ क्या है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल ज़रूर आने वाला है। हाउ मच वर्क इज़ डन
टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ बॉडी 400 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन हूज एंगल 60 डिग्री। थर्ड देख लीजिए, 0.5 किलोग्राम ऑफ कॉपर नीड 1905 जोल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सैम्पल। याद रखिए जो बता रही हूँ, अगर सेम एज इट इज़ ना आया लेकिन इसके इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर इट रीच द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। 11 है, अ बॉडी ऑफ 20 किलोग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड फाइंड इट्स मोमेंटम। लास्ट आपके पास है, डिटरमाइन द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑन एक्स एक्सिस एन ऑब्जेक्ट अप्लाई 100 न्यूटन विद हॉरिजॉन्टल एट 30 डिग्री एंगल दे दिया है। सेक्शन सी देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास। आपने टू अटैम्प्ट करने हैं, 6 मार्क्स का एक होगा और वो टोटल मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव के जो है वो 12 हैं। नोट एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 12 आपके पास है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल विद डायग्राम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। 13 आपके पास है, डिफाइन एंड ड्राइव द इक्वेशंस, 1 कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, 2 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। 3 इस टॉपिक में से काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 1/2 mv². अच्छा जी जनाब, 14 है, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड एक्सप्लेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ड्राइव फॉलोइंग इक्वेशंस टू एस इज इक्वल टू vf² - vi² एंड एस इज इक्वल टू vit + ½ at². द रिविजन्स हैं जो मैंने आपको ज़्यादा बताई हैं अपने गेस्ट पेपर में भी, बॉयज एंड चार्ल्स लॉ, ड्राइव जनरल क्लासिफिकेशन, PV इज इक्वल टू nRT, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी इस साल के लिए। 3rd लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू m1 m2 / r² एंड मास ऑफ अर्थ डेरिवेशन एंड कैलकुलेशन। नेक्स्ट देख लीजिए, डिफाइन फॉलोइंग काइनेमेटिक्स, टॉक डेफिनेशन हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पावर एंड P इज इक्वल टू FV वर्क प्रेशर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फैक्टर्स एक्सेलरेशन। जी स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा जो मैंने गेस्ट पेपर आप लोगों को बताया है उसको ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह आपका पेपर उसमें से ही आने वाला है। MCQs पे खास ध्यान दें, MCQs को फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर मटेरियल भेजा, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन इतना टाइम अभी आपके पास नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब मेरा वादा हुआ पूरा, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब करे। जज़ाकअल्लाह।